जन्म कुंडली का पांचवा भाव संतान का होता है। यदि किसी को अच्छी संतान का सुख मिल जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, और यदि संतान का पालन पोषण बहुत अच्छे से करने में एक पिता सक्षम हो तो उसे भी अपनी संतान का पालन पोषण करते हुए ये महसूस ही नहीं होता कि उसका बुढ़ापा कब आ गया। आज मैं आपसे बात करूंगा जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति देव के बारे में। बहुत ही शुभ, बहुत ही अव्वल दर्जे के बृहस्पति देव होते हैं जब पंचम भाव में बैठे हों। इस प्रकार से जन्म कुंडली का पांचवा भाव जहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं, इस भाव के मालिक सूर्य, और इस भाव को प्रेम प्रसंग का कहा जाता है, संतान का कहा जाता है, आपकी एक शिक्षा का भी भाव ये कहलाता है, और साथ ही साथ इसको पसंद और नापसंद का भी कहा जाता है। इसीलिए यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति देव बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा नॉलेज बहुत अच्छी लगती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा इंटेंटिव पर्सन के बीच में बैठने में ही बिलीव ज़्यादा करता है, यानी जिन लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, फिर चाहे वो टीचर हैं, फिर चाहे वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों, या ऐसे इंसान को अपने जीवन में बहुत अच्छे और अव्वल दर्जे के गुरुओं का साथ भी बहुत मिलता है। यही बृहस्पति देव जब भी शुभ परिस्थिति के अंदर बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में राजा इंद्र की तरह सुख भोगने वाला और राजा विक्रमादित्य की तरह लोक और परलोक को भी प्राप्त करने वाला हुआ करता है। विशेष तौर पर यदि कहीं जन्म कुंडली के अंदर राहु देव भी अच्छे हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अफसरों का भी अफसर हुआ करता है, यानी कि बहुत अव्वल दर्जे का यदि नेता भी बन जाए तो भी बहुत कम सफलता आंकी जा रही है, ये मैं आपको कह रहा हूं, यानी ऐसा व्यक्ति उनसे भी ऊपर निकल सकता है। अब मैं आपको बृहस्पति देव कब यहाँ पर अच्छा फल देते हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र देव बैठे, यहाँ के बृहस्पति देव कारक होते हैं। बृहस्पति नौवे भाव में जहाँ पर बुध बैठे यहाँ के मालिक होते हैं। जन्म कुंडली के ग्यारहवें भाव जहाँ पे शनिदेव बैठे यहाँ के भी ये कारक कहलाते हैं, और जो बारहवा भाव है यहाँ पे राहु देव बैठे हैं यहाँ के भी बृहस्पति देव मालिक कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि कारक और मालिक भावों के अंदर यदि सूर्य चंद्र या मंगल इन भावों के अंदर बैठे हुए हों तो बृहस्पति का फल व्यक्ति को बहुत अव्वल दर्जे का मिलता है। व्यक्ति बहुत बड़ी पर्सनालिटी का मालिक होता है। साथ ही साथ यदि इन भावों के अंदर जो कारक और मालिक भाव है, यदि इन भावों में बुध शुक्र या राहु आकर के बैठे हों तो बृहस्पति का फल कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को संतान सुख में भी कमियां मिल जाती हैं, व्यक्ति संतान पैदा ना करने में भी इच्छुक होता है, और कई बार तो ये ऐसा भी होता है व्यक्ति को यदि संतान की प्राप्ति हो भी जाए तो वो उनसे कभी खुश नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा पंचम भाव के अंदर बृहस्पति देव जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बैठे हों उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी संतान का आदर जरूर करना चाहिए, नंबर एक उपाय। नंबर दो उपाय, ऐसे व्यक्ति को यदि बृहस्पति का किसी भी प्रकार से शुभ फल ना मिल रहा हो, उसे अपनी संतान से प्यार ना हो, नॉलेज से प्यार ना हो, अपने बड़े बुजुर्गों से प्यार ना हो, अपने टीचर से का उसे प्यार ना मिला हो, हमेशा भेदभाव मिला हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर लंगर या भंडारे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखे ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की गिफ्ट का लेन देन भी ना करे मुफ्त में, यानी कि यदि बदले में कोई उसको गिफ्ट दे रहा है तो यहां से भी उसकी तरफ से गिफ्ट जरूर जाना चाहिए, तभी यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव अच्छा फल देते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ के बृहस्पति देव का अच्छा फल पाना हो तो व्यक्ति को हर पूर्णिमा पर मंदिर में जाकर के सफाई भी जरूर करते रहना होता है, तभी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बृहस्पति का अच्छा फल भी मिलता है। और ध्यान रखिएगा किसी भी कंडीशन में बृहस्पति देव का शुभ फल पाना हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने टीचर, अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने कॉलेज के प्रोफेसर, इनका सबसे पहले सम्मान जरूर करना चाहिए। वैसे तो किसी की कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठे हो सम्मान तो सभी को करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पे जिनकी कुंडली में बृहस्पति देव इस प्रकार से पांचवे में हो उनको विशेष तौर पर अपनी टीचर को अटेंशन जरूर देनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में
धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं भी जरूर करते रहना चाहिए, जिससे यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति का फल बूस्ट अप होता रहे, स्ट्रांग होता रहे और ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव इस प्रकार से पंचम में बैठे हुए हैं और यदि उसके घर में सौभाग्यवश बृहस्पतिवार के दिन संतान पैदा हो जाए और यदि पुत्र संतान भी पैदा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखते। लेकिन ये सब आपको अपने पुण्य कर्मों से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इस दौरान में कोई उपाय कर लेंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी और बृहस्पतिवार का दिन भी होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव कहाँ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय माता दी।